हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप आई मोबाइल ऐप से आईपीपीबी अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना आईपीपीबी अकाउंट का बैलेंस दिखाती हूँ। इसके लिए हम चलते हैं आईपीपीबी ऐप पे। गाइस, आईपीपीबी ऐप पे लॉगिन करने के लिए लोकेशन भी ऑन करना ज़रूरी होता है। अब तो मैं लोकेशन ऑन करती हूँ। अब मैं एम पिन एंटर करती हूँ। हमारा आईपीपीबी ऐप पे लॉगिन हो गया है। हमें आँख वाले आइकन पे क्लिक करना है बैलेंस जानने के लिए। आप देख सकते हैं अभी मेरा बैलेंस जो है 29 रुपये 60 पैसे है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। आई मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम चलते हैं आई मोबाइल ऐप पे। हमें अपना पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना है। मेरा ऐप पे लॉगिन हो चुका है। अब मैं होम पेज पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्लिक करना है सेंड मनी पर। सबसे पहले हमें पे ऐड कर लेना है। तो जिस अकाउंट में हमें पैसे भेजने हैं उस अकाउंट को हमें पहले ऐड कर लेना है। तो इसके लिए मैं ऐड स्लैश मैनेज पे पर क्लिक करती हूँ। हम ऐड न्यू पे वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास पे ऐड करने के दो ऑप्शंस हैं, आईसीआईसी बैंक और अदर बैंक्स। क्योंकि गाइस मैं आईपीपीबी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँगी जो कि अदर बैंक में आता है, तो मैं अदर बैंक पे क्लिक करती हूँ। गाइस मैंने अदर बैंक पे क्लिक कर दिया है। अब हमें अकाउंट नंबर एंटर करना है आईपीपीबी अकाउंट का। फिर उसके बाद दोबारा हमें अकाउंट नंबर एंटर करना है। देन हमें आईएफएससी कोड एंटर करना है। इसके बाद हमें पे अकाउंट नेम एंटर करना है। पे अकाउंट नेम में जिसका आईपीपीबी का अकाउंट है उसका नाम एंटर करना है यहाँ पे। इसके बाद हमें अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। आपका जो भी अकाउंट टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरा सेविंग्स अकाउंट है तो मैं सेविंग ही सिलेक्ट रहने देती हूँ। इसके बाद आपको पे निकनेम एंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल्स एंटर करती हूँ। तो गाइस जैसे ही आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। ये पे का अकाउंट वैलिडेट करने के लिए है। इसको अगर आप वेरीफाई करते हैं तो आपका 99 रुपये कट जाएगा। मुझे ये नहीं करना है तो मैं स्किप पे क्लिक करती हूँ। गाइस मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। अब हमें अकाउंट डिटेल्स मैच करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैंने डिटेल्स चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है। इसने अपने आप ही ओटीपी ले लिया है। आप देख सकते हैं हमारा आईपीपीबी अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। गाइस यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रांसफ़र विद इन इंडिया और ट्रांसफ़र ओवरसीज़। तो हमें ट्रांसफ़र विद इन इंडिया ही सिलेक्ट रहने देना है। सबसे पहले हमें अमाउंट एंटर करना है जितना भी हम भेजना चाहते हैं। इसके बाद आप रिमार्क सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद आप रिमार्क एंटर भी कर सकते हैं। रिमार्क बस एक पहचान के लिए है कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं। गाइस इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है ट्रांसफ़र टाइप। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, IMPS, NEFT, RTGS। IMPS में आप एक बारी में 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप हर रोज़ 20 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। और ये 24x7 काम करता है, मतलब आप दिन में कभी भी पैसे भेज सकते हैं। और ये रियल टाइम पर काम करता है, मतलब कि ये पैसे भेजने के बाद तुरंत पहुंच जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैक्सिमम 5 लाख पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 20 लाख पर डे, रियल टाइम वर्क्स 24x7। अब मैं आपको NEFT के बारे में बताती हूँ। इसमें आप 20 लाख रुपए तक हर रोज़ भेज सकते हैं और जो पैसा प्राप्त करेगा उसे 2 से 24 घंटे के अंदर पैसा मिलेगा। अब मैं आपको RTGS के बारे में बताती हूँ। इसमें आप हर रोज़ कम से कम 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। और ये भी रियल टाइम ट्रांजेक्शन पर काम करता है। तो गाइज मुझे 100 रुपये भेजने हैं तो मैं अमाउंट पर 100 रुपये लिखती हूँ। रिमार्क्स में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फैमिली सिलेक्ट करती हूँ अभी।
ट्रांजैक्शन टाइप में मैंने IMPS सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। हमें सारी डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको कोई डेटा मिसमैच लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा ठीक है तो मैं कंफर्म पे क्लिक करती हूँ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज शो कर रहा है ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, यानी कि हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे इसके अलावा सारी डिटेल्स भी शो कर रहा है, जैसे कि रेफरेंस आईडी, मोड, अमाउंट। तो गाइज आपने देखा मैंने सक्सेसफुली 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं IPPB अकाउंट में। अब हम चलते हैं IPPB अकाउंट में, इस बैलेंस को चेक करते हैं। तो मैं IPPB ऐप पर क्लिक करती हूँ, फिर से MPIN एंटर करके लॉगिन कर लेती हूँ। बैलेंस चेक करने के लिए हमें फिर से आँख वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये ऐड हो चुके हैं, जो कि हमने iMobile ऐप से ट्रांसफ़र किया था। पहले 29 रुपये 60 पैसे था, अब 129 रुपये 60 पैसे हो गया है। तो गाइस ये था पूरा वीडियो कि आप iMobile ऐप से IPPB अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।